मालवांचल की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में लाल गुलाब गैंग सक्रिय होकर किसानों की उपज उड़ाने में सालों से लगी है, जबकि एक बड़ा अमला चोरी चकारी के साथ मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ मौजूद है। लेकिन फिर भी हालात यहाँ नहीं सुधरे हैं और किसानों का माल यहाँ चोरी हो ही रहा है। नीमच की मंडी ही प्रदेश की एकमात्र ऐसी मंडी है जहाँ सबसे ज़्यादा जिनसे फसलों की आती है और यहाँ बड़े पैमाने पर रोजाना हजारों किसान यहाँ अपनी उपज बेचने आते हैं। और इन सब के साथ यहाँ एक चोर गिरोह सक्रिय है जो कि किसानों की उपज को पलक झपकते ही उड़ा लेती है और उसे मंडी में ही अपने साथियों की मदद से बेच देती है। ये गैंग लाल गुलाब है जो कि मंडी के हमालों ठेले वालों के साथ कुछ बाहरी लोगों की है, जिसमें मंडी के लोग भी शामिल हैं जो कि इनकी मदद करते हैं। कई बार CCTV कैमरे में तक इस गैंग के लोग माल की चोरी के साथ कैद हुए हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई न होने पर वे कुछ दिनों बाद फिर से सक्रिय होकर चोरी चकारी में लग जाते हैं। किसान और किसान संगठनों ने कई बार लाल गुलाब गैंग को लेकर कई शिकायतें भी की, लेकिन आज भी ये गैंग मंडी में सक्रिय रूप से अपने कारनामों को अंजाम देने में लगी है और मंडी प्रशासन ने की कोई ठोस कार्रवाई आज तक इन पर नहीं कर पाया है। जब कभी कोई मामला सामने आता है तो मंडी अधिकारी पंचनामा और संबंधित के खिलाफ मंडी में प्रवेश रोक तक की कार्रवाई कर अपनी इच्छा शुरू जरूर कर लेते हैं, पर स्थायी हल आज तक नहीं निकला। मंडी प्रशासन से आप ध्यान कहाँ दे रही है? हमारे 6 बोरी रायड़ा पार हो गया था 2 महीने पहले, जिसका कोई सुनवाई हुई नहीं, कुछ नहीं हुई ने। चोरों का साथ कौन दे रहा है क्या मालूम, पता ही चल रहा है ना। ये तो अभी एक ट्रैक्टर भी पार हो गया, मेरे 6 बोरी निजी रायड़ा भर के ले गए यहाँ से, जो जिसका कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं, एप्लीकेशन दे रखी मंडी कमेटी के अंदर मैंने। अब ये इसमें कौन क्या कर रहे किसका कोई पता नहीं चल रहा है। अब ये इनका तो कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है कि कौन किसके साथ मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है कि अब हम जैसे कैसे पहचान कर सकते। लाल गुलाब है यहाँ आते सबके सब CCTV कैमरा में दिख रहा है तो भी कुछ करते नहीं है, और मंडी कमेटी वाले सब इसमें मिले हुए हैं, CCTV कैमरे लग रहे हैं इसमें तो दिखता है सब कुछ, फिर भी कुछ करते ही नहीं है। करती है जैसे किसान माल लेके आता है, वो है माल बन के आता है, वो आदमी जैसे 40 कट्टे लेके आया तो उसको 2 कट्टे उसको बोलते हैं कि उसके अलग साइड में खाली करते हैं, और उसको बोलते हैं और वो तुम्हारा अलग खाली हो गया, खाली अलग हो गया, फिर उसको भरने में लगवा देते हैं ना, और वो आदमी 4-5 बोरी उसमें अलग खाली कर देते हैं। वो तो सब कैमरे में दिख रहा है, उसका कोई मतलब वो करते ही बगैर लाइसेंस के हमाल टाइप होते हैं, हम खाली करते उनको लोभ देते हैं, और किसान तो पहली बार आता है, कोई नया आता है उससे उसका माल खाली करते हैं, 4-5 बोरी अलग खाली कर दी और उसके हिसाब से बेच के पैसे ले जाते। एक लाल गुलाब एक ऐसा शब्द पैदा हुआ है कि कुछ वर्ग ऐसा है हम माल वर्ग में कि वो क्या करता है, किसानों को बरगलाता है, वो चाय मंगाता है कि जाओ भाई साहब के लिए चाय लाओ, इतने में उसकी गाड़ी खाली खाली होते होते 2-2 बोरी का ढेर बनाते हो, 10-20 बोरी का ढेर बना लेता है, और किसान भी इतना लापरवाह है कि खेत में बोता है जब तो 3 महीने बहुत ध्यान रखता हूँ, मेड़ पर पड़ा रहता, पानी पिलाता रहता, मंडी में घुसते से उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। मंडी कमेटी 6 बजे अनाउंस करती है कि किसान अपने माल का खुद ध्यान रखे, कट्टा साथ में रखे, माल का खड़े के ढेर कराए, अच्छे आदमी से ढेर कराए, लाइसेंसी आदमी से ढेर कराए, लाइसेंस देख के ढेर कराए, कुछ नहीं अपने काम में लगा रहता, और 2-2, 10-10 बोरी के ढेर पकड़ती है मंडी कमेटी, कई बार चोर भी पकड़ती है। होता क्या है कि पुलिस वाले कहते हैं फरियादी नहीं है तो केस नहीं बनता है, और फरियादी किसान बनना चाहता नहीं क्योंकि माल जब्त होता है और माल न्यायालय से मिलता है, ऐसे में मंडी कमेटी फरियादी बनना चाहे तो भी नहीं बन पाती है, तो वारदात तो होती रहती है, अंकुश इतनी लगाया जा रहा है, 20-22 आदमी की एक चिन्हित करके लिस्ट भी बना ली मंडी कमेटी ने, किंतु होता क्या है कि एविडेंस नहीं होने से, फरियादी के नहीं बनने से उन पर बराबर उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सवाल मंडी कमेटी के कर्मचारियों का, तो कर्मचारियों में सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे यहाँ वो लोकल भर्ती करते हैं, ऐसे में वो तो है और नहीं है बराबर हैं, वो लोग क्या करते हैं जब तक सचिव मोदे घूमते रहते हैं जब तक तो अलर्ट रहते हैं, अदरवाइज वो लोग भी शामिल हो जाते हैं, भर के ले जाने वालों से भी पैसे ले लेते हैं कुछ लोग, मगर सबको तो नहीं पकड़ सकते, सचिव मोदे भी कोई हर जगह तो जा नहीं सकते। मंडी कमेटी अलर्ट भी रहती है, किसानों को अलर्ट भी करती है, किंतु फिर भी कारण है कि सुरक्षा गार्डों को सभी को पाबंद किया गया है, CCTV कैमरे से निगरानी बढ़ी है, और मंडी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और मेरे स्वयं का भी सतत भ्रमण चालू है। लगातार हम पब्लिक के बीच से भी सूचनाएं लेते रहते हैं कि यदि कोई ऐसा सस्पेक्टेड संदिग्ध कोई दिखे या कृषि उपज दिखे या व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना हमको तत्काल दे, ये कार्रवाई लगातार चल रही है। सुना मैंने भी कि लाल गुलाब नाम का कोई गिरोह है जो ऐसा करता है, और हमने पिछले महीने लगातार कार्रवाई करते हुए लगभग 4-5 लोगों का जो है प्रांगण प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, 1-2 लोगों के खिलाफ पुलिस में भी प्रकरण भेजे गए हैं, 1 प्रकरण में अभी परसों ही जो है वो FIR दर्ज होकर दोषी गिरफ्तार भी हुए हैं, और अन्य आरोपियों की भी तलाश जो है पुलिस कर रही जो उनके साथ संलग्न